मेरा नाम मोहम्मद मुजतबा है, मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ नज़दीक हॉस्पिटल में। मैंने 2003 में ग्रेजुएट किया था, MBBS किया था। उसके बाद 2005 से मैंने अपनी साइकाइट्रिक ट्रेनिंग शुरू की। 2009 में मैंने MCPS किया साइकाइट्री में। 2010 में मैंने FCPS साइकाइट्री किया। 2012 में मैंने मास्टर्स किया बायोलॉजिकल साइकाइट्री में फ्रॉम यूके विद डिस्टिंक्शन, और आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू डू सो। इसके बाद मैं मेडिकल एजुकेशन में बहुत एसोसिएटेड हूँ। आई डिड माय एडवांस डिप्लोमा इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन आहान यूनिवर्सिटी से इन 2014, और मैं करेंटली मास्टर्स के लिए बोल रहा हूँ। 2016 में मैंने अपना डिप्लोमा किया मेंटल हेल्थ पॉलिसीज एंड सर्विसेज, जो कि पोर्टुगल लिस्बन में WHO के साथ कोलैबोरेशन में प्रोग्राम रन किया जा रहा है। इस वक्त इस दौरान मैंने 2010 से 2015 तक सर्व किया राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर शुरू में, फिर उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर। इस वक्त मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ बिहेवियरल साइंस और साइकाइट्री इन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, जो कि ये यूनिवर्सिटी पूरे पंजाब के तमाम मेडिकल कॉलेजेस की एग्जामिनेशन बॉडी और कंट्रोल करती है। जहाँ तक स्टिग्मा एसोसिएट विद साइकाइट्री है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। उसकी स्टिग्मा होने की दो तीन वजूहत हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह हमारा अपना कल्चर है, क्योंकि हम लोग साइकाइट्रिक इलनेसेस को बीमारियां नहीं मानते। हम एक टूटी हुई टांग को तो बड़ी अच्छी तरह उसकी देखभाल करेंगे, दिल के मरीज का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे, लेकिन अगर कोई दिमागी मर्ज में मुब्तला है तो उसको आमतौर पे ये कहा जाता है कि हिम्मत करो, ठीक हो जाओगे। जबकि तहकीकें कहती है कि दिमाग की अमराज बिल्कुल उसी तरह होती हैं जिस तरह दिल की अमराज होती है, और दिमाग के अंदर कुछ कीमियाई तब्दीलियाँ होती हैं जिनकी वजह से बीमारी पैदा होती है, और इसका हालात से या हिम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो मरीज होता है वो अपनी हिम्मत से अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, अगर वो कर सकता होगा तो वो मर्ज ना होता। दूसरा स्टिग्मा हमारे अपने अंदर मौजूद होता है। हम ये समझते हैं कि क्योंकि हमें वो ये बीमारी नज़र नहीं आती, हम ये समझते हैं कि ये एक्चुअली ये बीमारी नहीं है, और हम अपने आप को साइकाइट्रिक मरीज नहीं मान सकते। मैं साइकाइट्रिक मरीज कैसे हो सकता हूँ? आमतौर पर जब मैं इतना अच्छे तरीके से काम करता हूँ, मैं अच्छा कमाता हूँ, मुझे साइकाइट्रिक बीमारी क्यों हो सकती है? मुझे तो नहीं हो सकती। ये तमाम चीज़ें टर्मिनेट करती हैं टूवर्ड्स स्टिग्मा ऑफ साइकाइट्री। और तीसरा स्टिग्मा हमारा हेल्थ प्रोफेशनल्स के हवाले से, कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि साइकाइट्री को डिसिप्लिन नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि ये तो एक बार बीमार हो गया तो पक्का बीमार हो गया, और ये कोई बीमारियाँ नहीं होती, ये ड्रामा है जिसको लिया जाता है, जिसकी वजह से मरीज हमारे पास आने से मजीद डर जाते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्योंकि साइकाइट्रिक बीमारियों की प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस नहीं हुई, जो कि गवर्नमेंट लेवल पर होनी चाहिए। आइडियली पूरी दुनिया में तमाम गवर्नमेंट्स साइकाइट्रिक और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए खुद से बहुत सारी फंडिंग करते हैं और उसकी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, जिसकी वजह से अवेयरनेस बहुत सारे लोगों में है नहीं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि ये बीमारी क्या है। उसकी वजह से वो मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास धक्के खाते रहते हैं। तो ये स्टिग्मास हैं जिसकी वजह से साइकाइट्री को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो तहकीक या रिसर्च की गई है उसके मुताबिक 25-30% लोग साइकाइट्रिक बीमारियों का शिकार है, और ये बीमारियां उनके साथ लंबे अरसे से चल रही हैं। कुछ लोगों का अवेयरनेस नहीं है, जिनको अवेयरनेस है वो प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, और जो डॉक्टर के पास पहुंच पाते हैं वो कुछ ऐसा दवाई लेने के बाद छोड़ देते हैं, प्रॉपर कोर्स नहीं करते, जिसकी वजह से ये बीमारियां पाकिस्तान में और स्पेशली साउथ एशिया में बहुत रैंपेंट है। WHO ये कहती है कि इस वक्त सब कॉन्टिनेंट पूरी दुनिया में
साउथ अमेरिका के अलावा सबसे ज्यादा भरा हुआ है साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट के साथ। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि अवेयरनेस नहीं है, हम लोग आना नहीं चाहते, डॉक्टर्स हमें हमारे पास मरीज नहीं भेजते, वो लोगों को भिड़का देते हैं, हम खुद ये समझते हैं कि हम बीमारी नहीं, हमारे खानदान वाले कहते हैं कि ये बीमारी नहीं, ये तमाम वजूहत इसके साथ। साइकियाट्रिक इलनेसेस के, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्टिग्मा इशू है, वो ये है कि साइकियाट्रिक बीमारियां का कोई टूल नहीं है रिकग्नाइज करने के लिए कि कोई बीमारी है नहीं, या नहीं, किसी को दिल की बीमारी है टेस्ट करवाएं पता लग जाता है, किसी को मेदे की बीमारी है वो स्कैन करवाएं वो पता लग जाता है, दिमाग की बीमारियों में प्रॉपर कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं, तो हमें ये पता नहीं चलता कि मरीज को ये पता नहीं चलता कि ये कौन सी बीमारी है, मुझे क्या हो गया। इस सिलसिले में जो सबसे हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड हम जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जब आपकी जिंदगी किसी जहनी तकलीफ की वजह से हैम्पर होना शुरू हो जाए, आपके रिलेशनशिप हैम्पर होना शुरू हो जाए, आपकी लोगों के साथ इंटरेक्शन खराब होने शुरू हो जाए, तो आप अपने आप को जरूर कंसिडर करें कि आपको कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। आमतौर पे साइकियाट्रिक इलनेसेस का शिकार लोग जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी वर्किंग, उनके इंटरेक्शंस, उनकी स्टडीज, उनकी लाइफ एक्टिविटीज का हेल्पर होना होता है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होना शुरू हो जाए और उसके आपको सामने वाजे वजह नजर ना आ रही हो कि मुझे कोई दिल की बीमारी नहीं है, मुझे कोई पेट की बीमारी है, तो यू आर सफरिंग फ्रॉम सम साइकियाट्रिक इलनेस। हमें कुछ चीजें समझनी है जो जिन भूत और इनके साये और इन चीजों की बात करते हैं, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है कि साइकियाट्रिक बीमारियां होती क्या है, और ना ही जो मरीज है वो अपनी तकलीफ को बता सकता है। बहुत सारे मरीज जो जहनी तकलीफ का शिकार होते हैं, जहनी बीमारियों का शिकार होते हैं, वो ये नहीं बता सकते कि फॉर एग्जाम्पल मैं मायूस उदास रहता हूँ, या मुझे गलत ख्याल आते हैं, या मैं छोटी छोटी बातें परेशान हो जाता हूँ, या मुझे शक पड़ता है कि मुझे लोग मारना चाहते हैं, क्योंकि वो इन बातों का इजहार नहीं कर सकते, तो वो अपने रवैयों के साथ इन चीज़ों का इजहार करते हैं। बस फॉर एग्जाम्पल वो अपने अंदर जिन ले आते हैं, या अपने अंदर कोई ऐसी हरकत बेहोश हो जाते हैं, या कोई ऐसी हरकत करते हैं जो कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, तो घर वाले उन चीज़ों पर नोटिस करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सामने ओवर्टली ऐसे लगता है कि कोई बाहर की चीज़ आ गई उनमें, तो वो वाकई ही रिलीजियस साइड पे चले जाते हैं। जबकि मुख्तलिफ रिसर्च ने यह साबित किया है कि 80 से 90% लोग जो कि साइकियाट्रिक बीमारियों का शिकार होते हैं, वो पहले किसी रिलीजियस स्कॉलर या पीर या फकीर या इन लोगों के पास जाते हैं, और जब वहाँ से उनको सेहत नहीं मिलती तो फिर उसके बाद वो साइकियाट्रिक बीमारियों के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। अगर आपके घर में कोई साइकियाट्रिक पेशेंट है तो प्लीज चार बातें उसे कभी मत कीजिए, उठो और हिम्मत करो और ठीक हो जाओगे। ये तो इस तरह है किसी को कहे कि तुम्हारी टांग टूट गई और शाबाश हिम्मत करो टांग अपनी को ठीक करो, या तुम्हें दिल का मसला अपने दिल की बीमारी को ठीक करो, ऐसी बात मत कभी कीजिए। ना ही उनकी फीलिंग्स को अंडरमाइन कीजिए। अगर वो ये कहते हैं कि मेरा दिल नहीं करता किसी से बात करने को, तो आप ज़बरदस्ती उनको बहुत सारे लोगों में मत बिठाएं, उनको उनकी स्पेस दीजिए। अगर ऐसे मरीज गुस्सा करते हैं तो उनके साथ गुस्से से बर्ताव मत कीजिए, क्योंकि वो तो ज़हनी बीमारी का शिकार है, उनके उनके तो ख्यालात इंतशार का शिकार है, वो तो गुस्से में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उनके जवाब में इस तरह कीजिए। और चौथा, ये जरूर मेक श्योर कीजिए कि आप उनकी रूटीन्स जैसे खाना पीना और उनका सोना, उसका बहुत ख्याल कीजिए, केयर कीजिए, ताकि उन वो अपनी इन रूटीन से ना हट सके। ये तमाम चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ हमेशा अपने करीबी डॉक्टर को दिखाइए, साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके।
सो अगर आपको कोई आपके या आपके किसी जानने वाले को कोई साइकाइट्रिक इशू है और आप चाहते हैं कि आप मेरे से डिस्कस कर सकें इस सूरत हाल के बारे में, तो आप मरहम ऐप पे जाइए और वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं।